हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा डेस्टिनेशन है जमशेदपुर टू रांची। सो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वैसे मेरा नाम आशीष है। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अपनी इस ब्यूटीफुल बाइक से, यामाहा SGRR वर्जन 2.0 से, जो कि एकदम ब्रांड न्यू है। मुँह मेरा इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बिकॉज काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही है और काफ़ी ज़्यादा हीट है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम पास किए चलिए चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आप अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। हमारा डेस्टिनेशन है रांची, पतरातू वैली और रामगढ़ वैली। सो फ्रेंड्स, आप बीच का ये रोड देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रोड है। वैसे ये जमशेदपुर के सामने ही है ये रोड। अभी ये न्यू ये रोड बना है। ये मरीन ड्राइव के सामने एक पुल बना है, न्यू पुल। सो ये उस पुल को हम लोग पार करेंगे तो हमें इस तरीके का रोड दिखेगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और यहाँ का आसमान भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। आप लोग देख सकते हैं पूरा ब्लू। वैसे हमने इस तरीका का आसमान सिटी के आसपास के एरिया में देखने को मिलता नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, आपको और भी इस तरीके के ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। सो चलिए। ब्रेक के लिए रुके हुए हैं बिकॉज़ हमारी जो बाइक है वो लगातार 110 किलोमीटर से रेगुलर कंटिन्यूसली चल रही है। सो अभी हम लोग जो एरिया में रुके हुए हैं वो एरिया है, वो रांची और जमशेदपुर के बीच में एक घाटी पड़ता है। रांची के हम लोग करीब ही है। हाँ, एक घाटी है, काफ़ी ज़बरदस्त ये घाटी, आप लोग इसका देख सकते हैं। रोड्स वगैरह कितनी अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा कि रोड्स काफ़ी अच्छी है, और हमारी बाइक को भी हम थोड़ी ठंडी होने के लिए छोड़ दिए हैं। लगातार 110 किलोमीटर चलने के बाद में बाइक को थोड़ा रेस्ट चाहिए ही होता है, बिकॉज़ ये एक एयर कूल्ड बाइक है। सो थोड़ा देर हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, पानी वगैरह पियेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से चलते हैं। वैसे आप लोग यहाँ का सीन देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। चलिए, आप लोग इन्जॉय करिए सीन का। देख सकते हैं कि घाटी का सीन है, काफ़ी अच्छा सीन है ये।
आसमान तो देखिए, सिटी से दूर कितनी खूबसूरत आसमान है यहाँ का, पूरा ब्लू ब्लू लग रहा, लद्दाख में हम लोग आ गए हैं। रोड देखिए कितनी अच्छी रोड है, यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये रही हमारी बाइक, काफ़ी गंदी हो गई है इस वक्त। बहुत स्मूथ बाइक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग रांची के काफ़ी ज़्यादा सामने हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग रांची पहुँच जाएंगे, मेरा मतलब है कुछ ही पल में। ये देखिए अब हम लोग रांची पहुँच चुके हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रांची से पतरातू के लिए निकल चुके हैं, जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है। सो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग पतरातू के सामने पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे सीन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है, और हम लोग बस अब पतरातू पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ की वैसे रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं। वो रहा सामने बोर्ड पतरातू का, आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ से पतरातू मुश्किल से 17 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग आप देख सकते हैं कि हम लोग पतरातू वैली पहुंच चुके हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है यहाँ का। वीक में अगर छुट्टी मिलता है तो उसका इस तरह से एंजॉय तो ज़रूर कि सबको करना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे और भी चलते हैं, हम लोग आपको आगे दिखाएंगे पतरातू का डैम, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो चलिए चलते हैं।
वाह, सच में वैसे तो ये एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इस ब्यूटीफुल एरिया से, पतरातु डैम। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी पतरातु वैली तो बहुत देखा है बट डैम नहीं, तो चलिए हम लोग आपको अब चलते हैं पतरातु डैम। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये किड्स पार्क है जो कि एकदम डैम के बगल में ही है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल सीन है यहाँ। काफ़ी दूर तक है यहाँ पर पब्लिक के लिए बैठने के लिए, काफ़ी दूर तक है। डैम तो सच में काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कि अभी एरिया पूरी तरह से अभी बनी नहीं है, बन रही है, कुछ महीने में ये एरिया बन जाएगी। और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे आकर के काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं सब एरिया में। सो फ्रेंड्स, ये जो एरिया है वो कुछ समय बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है लेकिन यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है, मैं यहाँ से भी आपको जूम करके दिखाता हूँ, सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस जगह पे आप लोग अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक ढाबे में रुके हुए हैं। सो काफ़ी टाइम से हम लोग बाइक राइडिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग बाइक चला चुके हैं। सो हम लोग थोड़ा चलते हैं, खाना पीना खा के थोड़ा एनर्जेटिक हो करके, अब हमें घर भी जाना है, सो चलिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमने खाना पीना खा लिया है और ये होटल से थोड़ा दूर आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का सीन कितना ज़बरदस्त है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये पता है मुझे वीडियो तो कुछ खास बना नहीं होगा, बट फ्रेंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरे फ्रेंड का कॉन्फिडेंट लेवल ऑलवेज़ हाई रहे और हम लोग और भी अच्छी जगह पर जाएँ और ऐसे ऐसे वीडियो बनाएं। वैसे ये रामगढ़ की जो एरिया वाला जो है, ये वहाँ का एरिया है, आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उसका व्यू दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ के काफ़ी बड़ी एक खाई है, देखिए कितना खूबसूरत ये सीन है। आई डोंट थिंक सो कि इतना खूबसूरत सीन अब देखने मिलता है, ये आप देख सकते हैं, वाव, मैं हल्का जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, वाव वाव।